गोल्डन दास के बाद अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। चंद्रशेखर आजाद पर भी हो गया है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। जय भीम साथियों, मेरा नाम है अर्जुन सिमौलिया और आप देख रहे हैं नैतिक टीवी को। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में गाजियाबाद के सदर विधानसभा सीट पर जब अपने प्रत्याशी सतपाल मलिक के लिए प्रचार करने और बहुजन समाज भाईचारा सम्मेलन करने के लिए चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद गए थे, तो वहां पर हंगामा हो गया। हंगामा दरअसल आपको बता दें कि इस तरीके से हुआ कि मारपीट हुई और भीम आर्मी के समर्थकों ने जो विरोध करने वाले लोग हैं उन पर जो है कुछ उन्हें खदेड़ने का काम किया और उनके साथ जो है हल्की फुल्की मारपीट करने का काम किया गया है। अब इसी मामले में आपको बता दें कि जो दूसरा पक्ष था उसके द्वारा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सहित 15 से 20 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरअसल पूरी खबर अगर हम विस्तार से बताने की कोशिश करें तो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अब गाजियाबाद के कोतवाली में लूट और मारपीट की FIR दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि गाजियाबाद की रैली में हंगामा हुआ था। गाजियाबाद में एक रैली के दौरान हंगामा हो गया था जिसमें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ लूट और मारपीट की FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि रैली में शामिल कुछ लोगों ने हंगामा किया और लूटपाट शुरू कर दी। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप है कि उन्होंने रैली में शामिल लोगों को भड़काया और हंगामा कराया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना के बाद गाजियाबाद में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ये आपको बता दें कि पुलिस और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों पर आरोप लगाया गया और FIR दर्ज करा दी गई। वहीं अगर हम भीम आर्मी नेताओं की माने तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे थे वो सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने आए किसी हमलावर के आपको बता दें कि व्यक्ति थे और वो चंद्रशेखर आजाद को उनसे खतरा था, इसीलिए उन्हें भगाने की कोशिश की। लेकिन जब वो नहीं माने तो मजबूरन आपको बता दें कि भीम आर्मी के लोगों को उनके साथ थोड़ी बहुत मारपीट करनी पड़ गई। ऐसा भीम आर्मी के जो समर्थक हैं और जो नेता हैं उनका यह मानना है कि चंद्रशेखर आजाद का विरोध करने नहीं बल्कि वो हमला करने आए थे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी कीमती प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिहाई के बारे में या आपको बता दें कि समाज को उनको किस तरीके से उनकी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि गोल्डन दास भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि गोल्डन दास अब गिरफ्तार हो चुके हैं मुजफ्फरपुर कांड में जब वो बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे और पुलिस से उनकी झड़प हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब चंद्रशेखर आजाद पर भी FIR दर्ज हो चुकी है, उनके कई साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो इन तरीके से लगातार आपको बता दें कि जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इन खबरों पर आपकी क्या राय है और गोल्डन दास को अगर आप चाहते हैं कि रिहाई जल्द से जल्द हो तो गोल्डन दास के लिए कमेंट बॉक्स में गोल्डन दास रिहा करो जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।